भयो देवता ल राक्षस भयो म त बहुत ही बड़ी मूर्ति है। जो पुराण चल रखा है काफी अच्छे मौके पर। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं मंदिर जाने की ओर से, क्योंकि आज सावन का सोमवार है तो माँ का भी व्रत है, मेरा भी है, दीदी का भी है, इनका भी है, हमारी फैमिली में सबका है। तो इसलिए हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। दीदी तो नहीं आ पाई क्योंकि वो बैंक गए हुए हैं, उनके लिए लेट हो गया था, इसलिए अभी हम जल चढ़ाने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए और भजन कीर्तन के लिए जा रहे हैं। तो सीधे चलते हैं मंदिर में। आज हम माँ पूर्णागिरी मंदिर, भोलेनाथ का ही है ना? पूर्णागिरी माता का भी है और भोलेनाथ का भी, दोनों का मंदिर है वो। ओके, पर मैंने हरी कलर की साड़ी और हरी कलर की चूड़ियाँ, पूरा मैचिंग पूरा हरी बनकर आ रखी हूँ मैं। मम्मी जी पीली बनकर आ रखी है, पूरी मंदिर में पीला और लाल कलर ज़्यादा पहनते हैं। और लेकिन आज सावन था तो मैं इनका कब पहनूंगी हरी साड़ी, इसलिए आज सावन के मौके पर पहन लिए हरी साड़ी। तो फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भोले बाबा की जय हो, भोलेनाथ दर्शन हो गए। तो हमें मंदिर में आते ही भोलेनाथ के दर्शन हो गए, ये बहुत ही शुभ है। दीदी जी हाँ, ये तो है जय भोले बाबा, जय हो भोले बाबा। कहाँ छो ये जूम कर, और ये रहे भोले बाबा की, हमें आते ही दर्शन हो गए। जय हो भोले बाबा, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहना, भूल चूल जो भी हो माफ हो करना। तो मम्मी जी यहाँ पर फूल चढ़ा। तो दोस्तों आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, ये लेकिन चमत्कार हो रखा है। जैसे ही माँ ने फूल चढ़ाए तो सीधे उनके सर पर गए, और जैसे हम थोड़ा आगे को मुड़े ना तो ये नाग देवता गायब हो गए थे। और ये वीडियो मैंने बनाया भी था, शूट भी करा था, लेकिन पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि ये वीडियो कैसे डिलीट हो गया। शायद वो वीडियो नहीं बनाते हैं कि पता नहीं क्या था, क्या संदेश था। मेरे समझ से अभी तक भी बाहर है, इसलिए मैंने ये दोबारा रिकॉर्ड करके ऐसे बना रही हूँ। तो आज मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले पैर धोते हैं, यहाँ पर पैर धोने का मार्ग यहाँ है। बोले
देखिए ये हमारे नंदी भगवान जी बहुत ही प्यारे भगवान जी हैं, और ये हमारे भोलेनाथ के दर्शन तो आप कर ही चुके हैं, ये हमारे भोलेनाथ हैं। और ये वहाँ पर भी पूजा की जाती है जहाँ पर कि हमारी वो बुआ कर रहे हैं। ये यहाँ पर एक पीपल का कि पता नहीं बरगद का जो भी पेड़ है, ये पेड़ है यहाँ पर। और वो आगे ये जो ये मंदिर है ना, ये पूर्णागिरी मंदिर। भगवान भैया मुन भगवान भैया राजेश भाई भाई शिवजी आज शिवजी भक्त था वो यार शिवजी भक्त प्रणाम। बहुत देर में आए, जानवरों का घर क्या होंगे तो दोस्तों भगवान के दर्शन करके हम घर की ओर लौट रहे हैं। आज हमारे दर्शन काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, जैसा हमने सोचा भी नहीं था, उससे बहुत चमत्कारी दर्शन हुए हमें और बहुत खुशी हुई। तो बाबा के गेट में ही पहुंचे, गेट में पहुंचते ही जैसे हम गेट में पहुंचे ना तो भोले बाबा के दर्शन हो गए हमें, बहुत ज़्यादा खुशी हुई अचानक से। और फिर पीछे मुड़े ना तो गायब भी हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो ये एक चमत्कारी कह सकते हैं इसे जो भी है, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा, भजन कीर्तन भी काफ़ी अच्छे रहे। अब काफ़ी देर हो गई है, 2 बजने को तैयार है, तो इसलिए हम घर की ओर आ गए। इन्होंने कितने प्यारे से अपने दीवार के ऊपर फ्लावर लगा रखे हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो पेड़ भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे पेड़ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमारी चरी भी ऐसी हो रखी हुई है इतनी लंबी। ओम नमः शिवाय। अब हम जा रहे हैं जगतपुर के मंदिर में, जो कि भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा और जाना माना मंदिर है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। सीधे मंदिर की तरफ को जा रहे हैं, चलते हैं और आपको मूर्ति भी दिखाते हैं। देख रहे होंगे बहुत ही बड़ी मूर्ति है, बनखंडी मंदिर, बनखंडी शिव मंदिर है। यहाँ पर शिव पुराण चल रखा है, काफी अच्छे मौके पर हम आए हैं, पहले मंदिर जाकर दर्शन करके आते हैं। यहाँ पर काफी भीड़ है। मंदिर के दर्शन करने के लिए ले बाबा भेड़ चलाना। जय गदे। ले हमारा तनु भी पहली बार मंदिर में आ रखा है। चले ही दर्शन, क्या चले ही दर्शन। वो भोलेनाथ नहीं देखे तूने, उतने बड़े भोलेनाथ हो। जय हो भोलेनाथ बोलो। तो अब हमारा चकरपुर का रास्ता यहीं पर खत्म होता है, मतलब चकरपुर के मंदिर का। अब हम घर की ओर जा रहे हैं। पहले होता खाना खाया मेरा, जो लाने वाली थी वो ला फटाफट से। इतनी फेंकू है ये तुलसी, इतनी पेट में जाकर अपने फोन में तो बहुत भेजी थी, साथ में ला। कल लेकर आना वरना देख लेना छुट्टी कर दूंगी इधर से, खुश रहे। आज तो हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी बना रखी है। तो दोस्तों तुलसी और तनु की मस्ती के साथ ही हम आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा।